नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गोधरा एक्सप्रेस में चोरी हुआ फोटोग्राफर का कैमरा, जीआरपी उज्जैन की सक्रियता से चोराए गिरफ्त में, माल भी हुआ बरामद। दीपावली पर्व के दो दिन बाद ही बाजारों में छाया सन्नाटा, ग्राहकों के इंतजार में व्यापारी बैठे हैं हाथ पर हाथ धरे। मूडी मानसून ने किसानों के सामने खड़ा कर दिया खेती का संकट। भारतीय जनता पार्टी का दीपावली मिलन समारोह हुआ संपन्न, एक दूसरे को दीपावली की दी शुभकामनाएं। और संभागीय स्तर के खिलाड़ी चयन एवं प्रशिक्षण शिविर का दो दिवसीय आयोजन किया उज्जैन डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन ने। इंदौर निवासी फोटोग्राफर का ट्रॉली बैग चोरी करते हुए कैमरे में नजर आए चोर, इंदौर जीआरपीएफ ने किया गिरफ्तार, सौंपा उज्जैन जीआरपी को, चोरी माल किया जब्त। इंदौर निवासी सौमित्र शुक्ला जो पेशेवर फोटोग्राफर हैं, 28 अक्टूबर को सवाई माधोपुर से गोधरा एक्सप्रेस में सवार हुए। शाम 5 बजे उन्हें नींद लग गई। 7:15 बजे जागने पर उन्होंने देखा कि सीट के नीचे रखा उनका ट्रॉली बैग गायब है। सौमित्र ने इंदौर जीआरपी में रिपोर्ट दर्ज कराई। तत्काल छानबीन करने पर यह बात सामने आई कि उन्हेल स्टेशन पर कोई व्यक्ति उनका बैग ले जा रहा है। उज्जैन पुलिस द्वारा त्वरित की गई कार्यवाही की जानकारी पत्रकार वार्ता में देते हुए बताया कि दो आरोपी गिरफ्तार कर बैग जब्त किया गया है, साथ ही उसमें रखा 8 लाख रुपए का कैमरा और लैपटॉप भी बरामद किया गया। उन्होंने रिपोर्ट इंदौर में जाके की और हमको उसका मैसेज, चूंकि घटनास्थल यहाँ का जीआरपी उज्जैन का पहचान से डायरी के बारे में हमें घटना के संबंध में बताया गया। उन्होंने तत्काल सवेरे जाके मेल स्टेशन पर चेन बिलिंग भी थी, वहाँ जाके सर्च किया। उसके बाद में फुटेज नागदा के देखने पर पता चला कि एक आदमी उसको उतार रहा है, और फुटेज के आधार पर फिर हमने आइडेंटिफाई किए दो कि ये संभव इनके चेहरे मिलते जुलते हैं। उसी बेस पे फिर हमने उनको दो को पकड़ा। तो क्या क्या सामग्री तो उसमें दो कैमरे हैं, एक कैनन कंपनी के दो कैमरे हैं, एक लैपटॉप है और कुछ बैटरी वगैरह और चार्जर वगैरह ऐसे आइटम था। लेंस फुल, हाँ लेंस है जो 5.5 लाख का, 5 लाख का, 3 हज़ार महंगे कॉस्टली थे। कुल हमारा 8,70,000 के आसपास का मशीन का चोरी गया था, जिसमें हमने दो आरोपी गिरफ्तार करके 5.5 लाख का, 8.5 लाख रुपये की बरामदगी कर चुके हैं। एक लैपटॉप है जो उनके द्वारा अभी नहीं कि हम बैग में फेंक दिया था तो उसमें होगा, इस प्रकार के बहाने चल रहे हैं। तो अभी हम पीआर लेके उनसे पूछताछ कर रहे हैं और उसकी बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये चोर कहाँ के रहने वाले? एक चोर भिलवाड़ा का है, ये तिलस्वा मंदिर का है, तिलस्वा मंदिर भिलवाड़ा में महादेव मंदिर है, वहाँ का रहने वाला है। वो पहले यहाँ अपनी नानी का शास्त्री नगर उज्जैन में भी पहले रहा है। और एक जो आरोपी है सुहासरा का है, और दोनों आदितन अपराधी हैं। नवंबर माह के पहले सप्ताह की दीपावली, अब जेबें हो गई खाली। दीपावली के दो दिन बाद ही बाजारों में पसरा सन्नाटा, दुकानें भी हैं, माल भी है, व्यापारी भी हैं, मगर नहीं है ग्राहक। कोरोना की मार के कारण लंबे अरसे से बाजार में मंदीवाड़ा छाया था, उस पर नवंबर के पहले हफ्ते में दीपावली आने से खरीदारी के मामले में लोग अतिरिक्त साहसी हो गए थे। इस अतिरिक्त साहस का नतीजा यह हुआ कि बाजार अब कारवां गुजर गया गुबार देखते रह गए। दीपावली के दूसरे दिन ही सारे मार्केट में सन्नाटा छा गया। क्या थोक, क्या खेरची और क्या ठेके गुमटी वाले सभी ग्राहकों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मगर ग्राहकों के ठिकाने नहीं हैं। इस हालात पर कुछ व्यापारियों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा। फिलहाल अभी मंदी का तो पूरे 2 साल है, कोविड का ईयर चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से गांव-गांव में भी बाजार डेवलप हो गए हैं, पहले उज्जैन जिले के लिए सारे तहसील विलेजों से व्यवसायी आता था, अब जाके हर गांव-गांव में बड़े बड़े डेवलपमेंट है, मॉल है, ये है वो है, तो आखिर मतलब आवश्यकता कम है और बाजार में वो ज़्यादा है, इस कारण से मंदी है। का दौर आता है ये इस साल नहीं आता। हाँ, इस साल आया है। हाँ, इस साल ज़्यादा से ज़्यादा। क्या क्या वजह देखते हैं आप इसकी? है ये महंगाई। महंगाई को दिवाली के दिन 90% गिराकी थी और आज जो है 40% गिराकी। इसकी वजह क्या लगती है आपको? वजह यही है, लोग अपने घरों में मतलब अपने रिश्तेदारों में और पैसे की में भी थोड़ी मतलब कड़की हो सकती है, बाकी सब ठीक है बढ़िया।
इस वर्ष मोदी मानसून ने किसानों के सामने खेती का संकट खड़ा कर दिया है। जब जरूरत थी तब बारिश हुई नहीं, खेच के कारण अब तक भरा है खेतों में पानी। इस साल कृषि पर अर्थशास्त्र की यह उक्ति चरितार्थ कर दी कि भारतीय कृषि मानसून आधारित जुआ है। शुरुआती दौर में थोड़ी बरसात हुई तो कृषि वैज्ञानिकों और मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी कई उत्साही किसानों ने बोवनी कर दी। उधर मानसून खेच के मूड में आ गया, लंबी खेच के बाद बारिश हुई। खैर, अंतिम मानसून काल में जब बरसात की विदाई होनी थी, मानसून पलट पलट कर आया। जो मानसून 30 सितंबर तक बोरिया बिस्तर लपेट लेता है, वह अक्टूबर तक पलट पलट कर बरसता रहा। हालात यह है कि अभी भी आसमान में जब तब बादल छा जाते हैं, उधर खेतों में पानी पूरी तरह से सूखा नहीं है। ऐसे हालात में किसान पशुपाश में है। किसान यशपाल सिंह कह रहे हैं, कुछ नमी बनी हुई है, उसके कारण हकाई जोताई का काम कम चल रहा है और वापस मौसम खराब हो रहा है। और इस मौसम में क्या आलू और लहसुन प्याज ये बो दिए हैं, तो इस मौसम से उनको बहुत ज्यादा नुकसान है। लोक शक्ति पार्टी कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी ने दीपावली मिलन समारोह का किया आयोजन। भारतीय जनता पार्टी का दीपावली मिलन समारोह फ्रीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर आयोजित किया। इस कार्यक्रम में सांसद अनिल फिरोजिया, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर अनिल जैन कालूखेड़ा व विधायक पारस जैन ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई एवं कार्यकर्ताओं को दीपावली की बधाई प्रेषित की। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में दीपावली उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को बुला करके हर वर्ष की भांति, चूँकि पिछला वर्ष तो कोरोना में कठिन काल में यह नहीं हो पाया था, परमात्मा की कृपा से यशस्वी मुख्यमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब 108 करोड़ से ज़्यादा डोज लगाए जा चुके हैं, तो आज ये दिन वापस दिखा है। और इस बार की दीपावली भी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए जिस प्रकार से हमारा व्यापार व्यवसाय चला है, जिस प्रकार से सब दूर ये एक शुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और यशस्वी मुख्यमंत्री ने स्वयं यहाँ दीपावली के दूसरे दिन आकर के हमारे महाकाल वन के 750 करोड़ से ज़्यादा चलने वाले विकास कार्यों को देखा है। उम्मीद कर रहे हैं कि उज्जैन में अब हजारों करोड़ों के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लगभग 800 करोड़ का उज्जैन देवास 4 लेन, 2000 करोड़ का हमारा बड़नगर बदनावल 4 लेन, गरोड़ वाला ही 2000 करोड़ का, इस प्रकार से 250 करोड़ का रेलवे प्रोजेक्ट, 750 करोड़ का महाकाल वन का प्रोजेक्ट, लगभग जिस प्रकार से ये उज्जैन में और उद्योगों की बयार आने वाली है, तो लगता है कि आने वाले समय में उज्जैन बहुत आगे जाएगा। परमात्मा की कृपा से आने वाले समय में 3 महीने के बाद ही ये 750 करोड़ के आधे काम हमारे लगभग बनकर तैयार हो जाएंगे और आधे कामों के टेंडर लग रहे हैं, जिसके माध्यम से उज्जैन में बाबा महाकाल की भी 10 गुना ज़्यादा वैभव में वृद्धि होगी। दीपावली मिलन समारोह आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय लोक शक्ति में रखा गया, जिसमें उज्जैन शहर के सभी हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता आए और उसमें मध्य प्रदेश के यशस्वी उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और पूर्व मंत्री आदरणीय भारत जी जैन साहब, राजेंद्र भारती जी, विवेक जोशी जी और सभी गणमान्य हमारे नेता लोग सब उपस्थित रहे। और हर साल हम दीपावली उत्सव मनाते हैं सब मिलजुल के, और आज भी वही परंपरा को निर्वाह करते हुए दीपावली उत्सव मनाई। संभाग स्तरीय जूनियर वर्ग क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन एवं प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ कालिदास कन्या महाविद्यालय में। मौजूदा दौर का जुनून क्रिकेट, जिसमें पर्याप्त यश और धन की अपार संभावनाएं विद्यमान होती हैं, युवाओं को बेतहाशा आकर्षित करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्थानीय कालिदास कन्या महाविद्यालय देवास गेट प्रांगण में जूनियर वर्ग 12 वर्ष से अंडर 19 के लिए खिलाड़ी चयन एवं 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के कोच शिविर संबंधित जानकारी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन चरण सिंह शेखावत क्या कह रहे हैं, आइए जानें। मध्य प्रदेश के टैलेंट को जाकर उनके घर के अंदर जाकर चेक करना अलग अलग डिवीज़न में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है ये, और पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ भी छोटे बच्चे खेल रहे हैं और उनमें टैलेंट है, तो हम लोग वहाँ जाकर उनके स्थानीय डिवीज़न हेडक्वार्टर पर वहाँ जाके चेक करके बच्चों को एमपी के क्रिकेट की जो कोचिंग की पाइपलाइन है उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के लिए सब सीनियर्स सिलेक्टर्स भेजे गए हैं, वुमेंस में भी जेंट्स में भी, और यह प्रयास यही है कि एमपी के जो भी टैलेंट कहीं छूटे नहीं,
और वो सभी एमपी के क्रिकेट के जो कोचिंग है उसके सिस्टम में जोनल उसमें ले लिए जाए। इस संबंध में कीर्ति पटेल के विचार जानते हैं। पूरा अभी क्या इनका प्रोफाइल है वो एमपीसीए से निकलेगा, तो अभी सिर्फ हम टैलेंट देखने आए हैं और वही कर रहे हैं। पोटेंशियल है सर यहाँ पर? कुछ लड़के देखना पड़ेंगे, रॉ है आज देख रहे हैं, अब उनमें से कुछ दिख रहे हैं, आगे जो डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन खेलने वाले वो कल देखेंगे। हम लोग टैलेंट सर्च कर रहे हैं बॉलिंग, और स्पेशली गर्ल्स में बच्चियां बहुत कम मिलती हैं, तो इसके थ्रू ओपन एक दिन ओपन ट्रायल्स और एक दिन जो डिवीजन्स और इनकी रजिस्टर जो बच्चे हैं उनका करें, तो इसके थ्रू अब एमपीसीए का बहुत बड़ा शायद उन्होंने प्रोग्राम बना रखा है जिसके तहत इनको पूरी व्यवस्था की जाएगी, इनकी कोचिंग और रेगुलर प्रैक्टिस की, जिसके कारण साल भर प्रैक्टिस से एमपीसीए में पक्का डेफिनेटली एक स्ट्रांग टीम एमपीसीए को मिलेगी हर डिवीजन से टैलेंट सर्च करने के बाद। इंदौर से सिलेक्टर आए थे, लड़कियों के में भी सिलेक्टर आई थी और लड़कों में अलग सिलेक्टर आए थे, उनके द्वारा ही ये चयन किया गया। आज और कल जिन लड़कियों को आज निकाला है, कल उन लड़कियों को निकालेंगे जिनका 8 तारीख के लिए, फिर उनको साल भर यही सब सेंटर में सिखाया जाएगा, जो कोच नियुक्त कर रखे हैं सब सेंटर में उनके द्वारा, और दूसरे ज़िले के भी अगर लड़के सिलेक्ट होते हैं तो वो वहाँ पे बुला के हमारे जो कोच है सब सेंटर में उनको बुला के ना वहाँ पे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। शहर के प्राचीनतम माता मंदिर में अन्नकूट का किया गया आयोजन, भक्तों ने माता प्रतिमा और अन्नकूट के किए दर्शन। अन्नकूट, छप्पन भोग और महाप्रसादी का आयोजन करने वाले हमारे धर्म प्राण दूरदर्शी पूर्वजों ने अंग्रेजों के भविष्य का आकलन कर उक्त आयोजनों से इतनी व्यवस्था तो कर दी कि अग्रज देख सके कि छप्पन भोग में कौन कौन से व्यंजन होते हैं। मन और नयनों को तृप्त करने वाले ऐसे ही मिष्ठानों का अन्नकूट गढ़कालिका मंदिर में आयोजित किया गया। भक्तों ने श्रद्धा भाव से गढ़कालिका और अन्नकूट दोनों के दर्शन कर स्वयं को धन्य भाग माना। धर्मराज मंदिर पर सुंदरकांड का किया गया पाठ, महाआरती और महाभोग का भी किया गया आयोजन, काय समाज जनों ने भक्ति भाव से की सहभागिता। नगर के कायस्थ समाज जनों ने धर्मराज मंदिर पर आयोजित किया सुंदरकांड। अध्यक्ष अरविंद सक्सेना और सचिव ज्योतिर्मय निगम के मार्गदर्शन में आयोजित सुंदरकांड में आस्था पूर्वक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सुंदरकांड कृष्णकांत निगम और उनके मुख्य सहयोगी शशिराज भटनागर, दिनेश सक्सेना, निर्मल नरेश आदि ने किया। इस अवसर पर महाआरती और महाभोग का भी आयोजन किया गया। कनक शंगा स्पोर्ट्स कोच संतोष सोलंकी, सपना माली आदि बच्चों ने दीप योगा की प्रस्तुति इस अवसर पर दी। आयोजित कार्यक्रमों में उल्लेखित सहयोग रहा नमिता मनोज भटनागर, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, उषा सक्सेना, भावना निगम, ऋतु भटनागर आदि का। आज यम द्वितीय का पर्व है। कायस्थ समिति उज्जैन द्वारा शिवपुरा तट चक्रित घाम घाट पर भगवान चित्रूप जी के मंदिर पर भव्य आरती का आयोजन किया गया, साथ में सुंदरकांड का आयोजन रखा गया। कनक शंगा संस्था द्वारा योगासन द्वारा भगवान चित्रूप जी की स्तुति की गई और कायस्थ समिति द्वारा कलम पुस्तिका वितरण किया गया और साथ ही आज प्रसाद वितरण किया गया। आइए अब एक नज़र डालते हैं वैशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। गोधरा एक्सप्रेस में चोरी हुआ फोटोग्राफर का कैमरा, जीआरपी उज्जैन की सक्रियता से चोर आए गिरफ्त में, माल भी हुआ बरामद। दीपावली पर्व के 2 दिन बाद ही बाजारों में छाया सन्नाटा, ग्राहकों के इंतजार में व्यापारी बैठे हैं हाथ पर हाथ धरे। मूडी मानसून ने किसानों के सामने खड़ा कर दिया खेती का संकट। भारतीय जनता पार्टी का दीपावली मिलन समारोह हुआ संपन्न, एक दूसरे को दीपावली की दी शुभकामनाएं। और संभागीय स्तर के खिलाड़ी चयन एवं प्रशिक्षण शिविर का 2 दिवसीय आयोजन किया उज्जैन डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन ने। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।